मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ मूवी देख के, और मैं अभी भी निकल नहीं पा रही हूँ सब में से बाहर। कितने में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 100 में से 100, 10 में से 10, 10 ऑन 10, मूवी 10 ऑन 10 है। और कम से कम 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए इस मूवी को, 10 out of 100। और हमें अलर्ट रहना चाहिए, कभी किसी के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। हर बेटी को देखनी चाहिए ये पिक्चर, और ये अपने माँ बाप की इज्जत का। हमारा ब्रेन वॉश करते थे, इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ गलत कदम उठा लेती हैं। हाँ, हमें किसी भी बहरूपीय पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश सबसे बेस्ट, हमारा कल्चर सबसे बेस्ट कल्चर है। तो जैसा कि अभी हम दिखा रहे थे आपको, शो खत्म हो चुका है, शो खत्म हो गया है, और यहाँ पर लोग जो है वो शो छूटने के बाद में जो महिलाएं हैं, जो भीड़ है, वो आ रही है, और हम कोशिश होगी कि उनसे ये जाने कि उनको ये फिल्म के बारे में कैसा लगा, उन्होंने ये फिल्म से क्या देखा, क्या सीखा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या देखा, और क्यों ये देखना फिल्म ज़रूरी था इनके लिए। और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, मैडम क्या देखा इस फिल्म में आपने, बता क्या सीखा? इसमें बहुत कुछ सीख मिली है, अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं इसमें। हाँ, तो ये फिल्म आपको अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगा आपको इस फिल्म में? मुझे लड़कियों को बचाने के लिए उसमें जो बताया गया बहुत अच्छा लगा। और जी चलिए, क्या क्या अच्छा लगा आपको इस फिल्म में? सर, मूवी बहुत अच्छी है, मूवी देख के लगा कि हाँ, हमें किसी भी बहरूपीय पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश सबसे बेस्ट, हमारा कल्चर सबसे बेस्ट कल्चर है। चलिए, अच्छा लगा। अभी आपने मूवी देख के क्या कुछ खास रहा? सर, इसमें हमारे बहुत कुछ खास रहा। आप ये हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम बख्शेंगे किसी को भी नहीं। हम पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और हैं। जय हिंद। क्या सीखा आपने इस फिल्म से? ये सीखा कि खुद भी सही रास्ते पर चलो और दूसरों को भी सही रास्ते पर लेकर जाओ, अपने समाज को, अपने हिंदू धर्म को। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें हम सब आते हैं, और इसमें ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या सीखा आपने, क्या सीखा आपने? इससे हमें बहुत कुछ सीख मिली है। हम अपने बच्चों को और आगे सभी को बताएंगे जाके अच्छे से आगे रहें। और लोगों से मैडम क्या क्या देखा आपने फिल्म में, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? ये बुरा लगा जो मतलब मुस्लिम भाई लड़कियों को ब्रेन वॉश कर देती हैं, उसके क्या कहते हैं उनको बहला फुसला के। इसलिए लड़कियों को जागृत होना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी सीख देना चाहिए, अपने भगवान के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं, जब तक बच्चे को अपने भगवान गॉड के बारे में मालूम नहीं होगा तो बच्चा ऐसे ही ब्रेन वॉश हो सकता है। सर, सभी अच्छा ही था, और जरूरी थोड़ी ना है कि वो मुस्लिम नाम से ही आएंगे, वो हिंदू नाम से भी आ सकते हैं। तो हमें जागरूक रहना है सभी बहनों को, जरूरी नहीं है जिहादिया जो जो भी मुसलमान समाज के युवा हैं वो हिंदू नाम से आए, वो मुस्लिम नाम से आए, वो हिंदू नाम से भी घूम रहे हैं ना। तो हमें खुद को ही संभालना है, और खुद ही जो भी है खुद से ही, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही हमें सक्षम बनना पड़ेगा। मैम क्या क्या देखा आपने इस फिल्म में, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? इस फिल्म में हमको मतलब जो चीज़ मुस्लिम थे ना, वो लड़कियों का गलत यूज़ कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे उनका, और हमें अलर्ट रहना चाहिए, कभी किसी के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए, और हमें मतलब अपने दूसरे पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और कैसे अलर्ट रहना, और कभी अदर पर्सन के बातों में नहीं आना चाहिए हमें। और मूवी तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, कितने में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 100 में से 100, 100 में से 100। आपको क्या लगता है इस मूवी से, क्या आपने क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको दिखाया कि लोग जो हैं वो केरल स्टोरी देखने के बाद में उनके क्या व्यूज हैं, क्या ओपिनियन है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आपने ये फिल्म देखी, क्या आपको अच्छा लगा इसमें, क्या बुरा लगा? भैया इसे पिक्चर जो मूवी है हमारे हिंदू और कि मतलब ये दिखा रहे हैं इसमें पूरा कि लव जिहाद जो भी है ना जी,
ये लफ्ज हाथ की वजह से ये हमारी हिंदू लड़कियों फंसा के और इस तरीके से करें। हर बेटी को देखनी चाहिए ये पिक्चर और ये अपने माँ बाप की इज्जत का काफी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाना चाहिए कि इस मूवी को हर कोई लड़की देखे। 10 में से कितने नंबर? कम से कम 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए इस मूवी को। 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी माता बहने हैं वो बता रही हैं कि उनको कैसा लगा इस मूवी में, क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा इस मूवी को, क्योंकि यहाँ पे हिंदूवादी का हमेशा विरोध हो रहा है, क्योंकि ये लोग होते हैं ना बहुत बेकार लोग होते हैं और ये हमारा ब्रेन वॉश कर देते, इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि हमारी बहन बेटियां गलत कदम उठा लेती हैं। जय श्री राम। तो ये विचार हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अच्छा लगा आपको इस मूवी में, क्या बुरा लगा? अच्छा तो हम लोगों को सब कुछ लगा, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। लड़कियों को समझना चाहिए इसके बारे में। और क्यों क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? इसलिए देखनी चाहिए कि अत्याचार जो हो रहे हैं तो वो लड़कियाँ ही जाल में फंसती हैं, हम लोग नहीं फंसते हैं। हम लोग तो अपने काम से काम घर में रहते हैं जी। सही। तो ये लोगों के व्यूज़ हैं और लोग इस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको क्या इस मूवी में अच्छा लगा और क्या मूवी में बुरा लगा, और कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। मैम एक्सक्यूज मी, मैम आपको क्या इस मूवी आपने देखी, क्या आपको अच्छा लगा इसमें, क्या बुरा लगा? इसमें सिर्फ सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, लेकिन इसमें जो गीतांजलि लड़की का किरदार निभाया गया है, उसने अपने पापा से लास्ट में यही कहा कि पापा आपने सबके बारे में बताया, अपने धर्म के बारे में नहीं बताया। तो मेरे हिंदू परिवारों से, माता पिताओं से यही वो है, मैं उनसे ही कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में जागरूक करिए, जिससे कि सामने वाला दूसरा अपने धर्म को हमारे बच्चों पे नहीं थोप पाए। जी। तो 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। 10 में से 10। मैम 10 में से कितने नंबर, क्या क्या कैसी लगी मूवी? 10/10 मूवी 10/10 है। क्या क्या दिखने लायक, क्या सीखने लायक था मूवी में? लड़कियों के लिए सीखने लायक था कैसे हमें ये लव जिहाद जो आजकल चल रहा है, जो लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसा के बरगरा के ले जाते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और अपने घर वालों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। हमारे बड़े कभी हमें गलत नहीं सिखाते हैं। चलिए मैम एक मिनट, आपने मूवी देखी, क्या अच्छा लगा, क्या पिक्चर बहुत अच्छी है, उसमें रियलिटी दिखाई गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी चीज़ को दिखाने से पहले डरा, मतलब ऐसे डरा नहीं गया कि ये दिखाना चाहिए, उसमें सब कुछ दिखाया गया जिससे कि लोगों की आंखें खुले और वो समझ सके कि रियलिटी कितनी खतरनाक होती है। ये पिक्चर में तो फिर भी हम देखकर हमारी रोंगटे खड़े हो गए, जब उस जो भी लड़की जिसने ये चीज़ सही होगी उसके साथ कितना बुरा हुआ होगा, कोई हमें गलती देख भी ले तो हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके साथ तो इतना बुरा हुआ है, तो फिर आप समझ सकते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ मूवी देख के और मैं अभी भी निकल नहीं पा रही हूँ सदमे से बाहर। क्या क्या लग रहा है आपको इस मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो कितना हद तक सही है या सिर्फ काल्पनिक है? नहीं, मुझे तो काल्पनिक नहीं लगता, क्योंकि कितना इंसान काल्पनिक बना सकता है चीज़ों को। ये चीज़ तो सही है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। और चलिए 10 out of 100। तो ये लोगों के विचार हैं, लोगों को लगता है कि मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर है, 10 out of 100 ऐसे लोग मार्क्स दे रहे हैं इस मूवी को। सो आशा है कि ये जो हमारा रिव्यू था यहाँ, जो हमने लोगों से पूछा वो आपको पसंद आया होगा, और रिव्यू में जो कुछ भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये डीडी सिनेमा है फिरोजाबाद में, और डीडी सिनेमा में आज हिंदू जागरण मंच की ओर से इस पूरी मूवी को स्पॉन्सर किया गया था। इस ये जो पूरा शो था, ये पूरा शो जो है वो यहाँ के लोगों ने, हिंदू जागरण मंच ने स्पॉन्सर किया था, और यहाँ पर जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है, इस शो को देखा है, इस पूरे शो के पूरा का पूरा शो जो है वो हिंदू जागरण मंच की ओर से था, महिलाओं और बहनों के लिए ये मुफ्त में ये शो दिखाया गया है, निःशुल्क शो दिखाया गया है। तो आपने अगर ये मूवी देखी है, नहीं देखी है तो देखकर आइए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको इस मूवी के अंदर क्या अच्छा क्या बुरा लगा, या फिर आप इस मूवी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं।